तो भाई देखो, जब से इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 में वार्म अप मैच खेला है, तब से इस बात पे पूरे तरीके से मोहर लग गई है कि इंडिया के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली ही ओपनिंग करेंगे। सबसे बड़ा प्रमाण इसका तब मिला जब जायसवाल को वार्म अप मैच में खेलने के लिए नहीं उतारा गया। हर कोई ये समझ गया कि रोहित शर्मा भी इस बात को समझ गए हैं कि ओपनिंग तो वो और कोहली करेंगे। और दूसरा प्रमाण यहाँ पे ये भी है कि भाई जिस तरीके से विराट कोहली ने RCB के लिए IPL 2024 में परफॉर्मेंस दी है ओपनिंग में आके, उसके बाद भी अगर विराट कोहली से T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग ना कराई जाए तो ये अपने आप में ही इंडिया का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये बात रोहित शर्मा और राहुल द्रविड बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हम 100% श्योर हैं कि विराट कोहली ही T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे। पर ये सब मैं तुमको क्यों बता रहा हूं, ये सब मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुमको पता है लास्ट बार जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किसी T20 मैच में इंडिया के लिए ओपनिंग करी थी तो पता है तब क्या हुआ था। लास्ट बार ऐसा हमें होते हुए देखने को मिला था 20 मार्च 2021 को, जब भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था अहमदाबाद के मैदान में पांचवा T20 मैच, और उस मैच में इंडिया के लिए ओपनिंग करने आए थे विराट कोहली और रोहित शर्मा। पहले बैटिंग करते हुए उस मैच में इंडिया ने मात्र 2 विकेट खोके 224 रन जड़ दिए थे, जहां रोहित शर्मा ने 34 बॉलों पे 64 रन मारे थे, 4 चौके 5 छक्के जड़े थे, तो वहीं विराट कोहली ने 52 गेंदों पे नॉट आउट 80 रन का योगदान दिया था, 7 चौके और 2 छक्के लगाए थे। मतलब भाई लास्ट मैच भी जो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एज अ ओपनिंग पेयर खेला था, भाई कसम से बवाल मचा दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि उस मैच के बाद अब जब लगभग 3 साल बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 में इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे तो कुछ ऐसा गर्दा मचाएंगे कि हर कोई बोलेगा वाह भाई मजा आ गया। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, सच सच बताना कि किस किस को लगता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में अगर सच में इंडिया के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा ही ओपनिंग कर लें तो ये ओपनिंग जोड़ी T20 वर्ल्ड कप 2024 की सबसे घातक और सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी होगी, जिसको भी यकीन है कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखो भाई, जैसा मैंने कहा कि ये तो पूरे तरीके से तय है कि T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग इंडिया के लिए रोहित शर्मा विराट कोहली करेंगे, लेकिन भाई सिर्फ एक चीज और यहां पे हो गई ना, तो मैं इस बात पे अभी मोहर लगा सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, साइन मार के दे सकता हूं कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 100% जीतेगी, बस ये एक चीज हो जाए। अब वो एक चीज क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन भाई देखो, इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी वो तो वक्त बीतने के साथ साथ हमको पता ही चल जाएगा, लेकिन भाई आप 100% जीत सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे जाके डिस्क्रिप्शन ओपन करने में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां से एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठानी है, उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम बना के इस भाई T20 वर्ल्ड कप के त्योहार में गड्डियां ही गड्डियां छापनी है। टाइम मत वेस्ट करो भाई, ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे जहां भाई बहुत ही कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग को यकीन है कि वो इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के अलावा मैचेस में बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं या फिर अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपका साथ दे रही है नन अदर देन आकांक्षा जी। तो आप जल्दी से जाइए, जैसा मैंने कहा लिंक है डिस्क्रिप्शन ओपन करने में, जाके ज्वाइन करिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन वहां से उठाइए और उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे आप भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके पैसा ही पैसा छापिए। टाइम मत वेस्ट करिए, जल्दी जाइए। हां तो भाई, जैसा मैं कह रहा था कि अगर तुम 100% ये चाहते हो ना कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए इंडिया ही T20 वर्ल्ड कप जीते, तो बस भाई एक प्रार्थना करना, मात्र बस एक प्रार्थना करना, और वो प्रार्थना ये होनी चाहिए कि जब भी इंडिया इस वर्ल्ड कप में कोई मैच खेले तो इंडिया की चेज आए, पहले बैटिंग ना करे, इंडिया को स्कोर चेज करना पड़े, और इंडिया जब टारगेट चेज कर रही हो तो विराट कोहली चेज करते हुए नॉट आउट पवेलियन लौटे। अगर ऐसा हो गया ना तो भाई एक भी मैच ऐसा T20 वर्ल्ड कप में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा जो इंडिया हार जाए, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि भाई चाहे ODI की बात कर ले चाहे T20 की बात कर ले, चेज करते हुए आज तक विराट कोहली टोटल 51 बार नॉट आउट लौटे हैं ODI और T20 को मिला के। और भाई जब भी वो नॉट आउट लौटे हैं ना, ये जो 51 बार नॉट आउट लौटे हैं, इन 51 बार में से 50 बार इंडिया ने मैच को जीता है, मात्र एक बार इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है, और ये जो एक बार हारे भी है ना भाई, उस मैच में बारिश हो गई थी जिसके चलते विराट कोहली अपनी चेज का कमाल दिखा नहीं पाए थे और इंडिया को वो मैच गंवाना पड़ा था। वरना भाई आज तक जब भी मैच कायदे से हुआ है और अगर विराट कोहली T20 या ODI में नॉट आउट लौटे हैं चेज करते वक्त, तो इंडिया ने वो मैच जीता ही जीता है, इंडिया कभी हारी ही नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का कोई भी मैच हो, बस यही उम्मीद करना कि इंडिया की बाद में बैटिंग आए और चेज करते वक्त बस विराट कोहली नॉट आउट लौटे। अगर विराट कोहली नॉट आउट लौट रहा होगा तो समझ लो इंडिया मैच जीत गई होगी। वैसे भाई इस मामले में रोहित शर्मा भी विराट कोहली से कम नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि अब तक ODI और T20 चेजेस को मिला के रोहित शर्मा
शर्मा जब भी एज एन ओपनर मैच में उतरे हैं तो कुल आज तक 23 बार ऐसा हुआ है कि रोहित शर्मा नॉट आउट पवेलियन लौटे और इन 23 बार में से 22 बार इंडिया को जीत हासिल हुई। मात्र एक बार ऐसा हुआ कि चेस करते हुए रोहित शर्मा नॉट आउट लौट रहे हैं और इंडिया उस मैच में हार गई। लेकिन भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा ज्ञान बढ़ाने के लिए तुमको बहुत ही कमाल का फैक्ट बताता हूँ। तुमको पता है युवराज सिंह ओडीआई और टी20 को मिला के कुल 36 बार चेस करते हुए नॉट आउट लौटे हैं और एक भी बार आज तक इंडिया को हार का सामना नहीं करना पड़ा। जब भी युवराज सिंह चेस में नॉट आउट लौटा ओडीआई और टी20 में हर बार इंडिया को जीत हासिल हुई। खैर जहां हम विराट कोहली की बात कर रहे थे तो भाई मैं इस बात को कहने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा कि कल के दिन एक बार फिर से विराट कोहली को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। जी हां, साल 2023 के भी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली रहे। और भाई ये कोई विराट कोहली के लिए बहुत बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि वो क्रिकेटर ऑफ द डिकेड भी बन चुके थे कुछ ही वक्त पहले। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड भी विराट कोहली बने थे, 2017 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे, 2018 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे, 2012 में ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे, 2017 में भी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे, 2018 में भी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे और फिर से एक बार साल 2023 के लिए भी विराट कोहली बने ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। मैं बता दूं कि साल 2018 में विराट कोहली टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने थे और हाल ही में साल 2022 में विराट कोहली क्रिकेटर ऑफ द मंथ भी बने थे अक्टूबर महीने के लिए। मतलब आसान भाषा में मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि विराट कोहली को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि वो एक बार फिर से ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये सब आम बात है। और भाई देखो यहां पे इस बात की खैर मनाओ कि ये जो टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं ये पिछले 2-3 सालों से इन्होंने शुरू किया है। अगर भाई काफी पहले से दे रहे होते ना तो वो अवार्ड भी विराट कोहली कम से कम 4-5 बार तो जीत चुके होते, क्योंकि भाई जब से इन लोगों ने टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड देना शुरू किया है तब से विराट कोहली उतना कंसिस्टेंटली टी20 खेलते ही नहीं है। भले जितना भी खेलते हैं सबसे बेहतरीन खेलते हैं, अब जैसे कि पिछले साल की बात कर लें, जब अचानक से टी20 वर्ल्ड कप 2022 आने वाला था तो विराट कोहली ने खुद को भी अचानक से टी20 क्रिकेट में एक्टिव कर लिया। उससे पहले टी20 ज्यादा नहीं खेल रहे थे और उसके बाद जैसे ही एक्टिव करा तो जहां जा रहे थे रन ही मार रहे थे। भाई टी20 वर्ल्ड कप 2022 में तो सबसे ज्यादा रन मार के आए थे, लेकिन एक बार जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ पूरे तरीके से खुद को टी20 से दूर कर लिया। अगर भाई टी20 फॉर्मेट भी वो लगातार खेल रहे होते, कंसिस्टेंटली वहां पे भी एक्टिव होते, तो ना जाने टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो कितनी बार बन चुके होते। और जैसे कि अभी सूर्य कुमार यादव नंबर 1 रैंक पे है ना, भाई सच बताऊं कोहली ने अगर सूर्य जितने मैचेस खेले होते तो क्या पता विराट कोहली भी नंबर 1 रैंक पे ही होते और सूर्य नंबर 2 पे होते। लेकिन भाई अपने को रैंक से क्या घंटा फर्क पड़ता है, हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि ये जो टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है यहां पे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं ऐसी परफॉर्मेंस दें कि बस भाई वर्ल्ड कप जीत जाए, क्योंकि कुछ ज्यादा ही वक्त हो गया है और इंतजार हो नहीं रहा। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि इस टी20 वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली होंगे जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन मारेंगे, विराट कोहली होंगे जो इस टूर्नामेंट में भी सबसे ज्यादा रन मारेंगे, विराट कोहली होंगे जो इस टी20 वर्ल्ड कप के सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर साबित होंगे और इस बार विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप भी उठाएंगे, सिर्फ रन मार के नहीं आएंगे, किस किस को इस बात पर यकीन है कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर किसी को लगता है कि नहीं यार विराट कोहली नहीं, कोई और इंडियन प्लेयर होगा जो इस बार टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया का तुरका इक्का साबित होगा, अगर कोई नाम मन में आ रहा है तो वो नाम भी कमेंट में मेंशन कर देना। बाकी देखो यार याद से ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर से कह रहा हूं, भाई ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, इतने सारे मैचेस हो रहे हैं, सुबह हो रहे हैं, शाम हो रहे हैं, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, अब चलते हुए मैचेस में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मैच से पहले भी कर सकते हैं। सुबह मैच शुरू होते हैं ना कुछ 6 बजे, तो बस भाई थोड़ा सा जल्दी जागने का, बस टेलीग्राम चैनल से आकांक्षा जी के प्रेडिक्शन उठाने का, अपनी प्रेडिक्शन करके सो जाने का, बाकी भरोसा रखने का आकांक्षा जी पे, भाई ऐसी प्रेडिक्शन देंगे कि तुम भी कहोगे वाह भाई कमा ही कमा रहे हैं, मजा आ रहा है। खैर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन ज्वाइन कर लो आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को, इतनी बार कह रहा हूं अब तो कर लो भाई। लेकिन हां याद से चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो यहां तक भाई आज जिसने वीडियो देख ली है ना सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन भाई एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक खुशी मिलती है, उस खुशी के भरोसे जो अपने अगले 50-60 दिन होते हैं ना वो अच्छे चले जाते हैं। तो प्लीज भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।